लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये कहानी गरीब नगर की है। गरीब नगर ही क्यों, यही वाकया हिंदुस्तान के 7 लाख गांव में से किसी भी एक गांव में हो सकते हैं। ये कहानी हमारी और आपकी है। गरीब नगर एक छोटा सा गांव है। गांव वालों के भोले दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत और सुख दुख का ख्याल रहता है। बच्चों के खेल कूद और किलकारियों में गाँव के अमन चैन का सुहाना राग सुनाई देता है। ये गांव का छोटा सा अपना स्कूल है। छोटा होने पर भी ये स्कूल गांव और गांव वालों की जिंदगी में एक खास चीज है। ये छोटे छोटे बच्चे इसी स्कूल की बदौलत निरक्षरता के अंधेरे को हटाकर ज्ञान और कर्तव्य की रोशनी में आगे बढ़ते हुए देश की शान बढ़ाएंगे। शहर से पढ़ लिख कर परोपकारी लड़की राज वापस आ गई और इसी ने ये छोटा सा स्कूल खोला। गाँव की दूसरी लड़की है रानी, जो इस काम में राज की मदद किया करती है। वो भी इसी स्कूल में पढ़ाती है। राज के स्कूल में बच्चों को सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि उनके दिलों में अपने देश, अपने गांव और अपनी जमीन के लिए मोहब्बत पैदा की जाती है। धरती माता के लिए लोगों के कर्तव्य रोज उन्हें बताए जाते हैं। उन्हें बतलाया जाता है कि उनकी जमीन कहाँ है, कैसी है और खेती के सिवा दूसरे किन किन कामों में आ सकती है। क्या है बच्चों, हमारी बस्ती के बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है, जो बड़े बड़े काबिल और धनवानों से बसी हुई है। देखो यहाँ, ये है हमारा गांव गरीब नगर और ये है हमारे गांव का बड़ा शहर बसंतपुर। जी हाँ हाँ, कहो क्या कहना चाहते हो। यहाँ से कितना दूर है शहर? सिर्फ 15 मील के फासले पर। इस बड़ी सड़क से हमको गुजरना होगा जो सीधी बसंतपुर पहुंचती है। राधे श्याम, राधे श्याम, देखो शक्ति, हमारे महाराज इस जगह से रेलवे लाइन निकालना चाहते हैं। सेठ जी, ये तो गरीब नगर की जमीन है। हाँ, गरीब नगर। तुम जानते हो, ये एक ऐसी बात है कि जिसका ख्याल वहां के रहने वालों के ख्वाब में भी ना आया होगा। तो आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल? मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि महाराज एक बड़ी से बड़ी रकम देकर उनसे जमीन खरीद लेंगे। फिर यही कि कोई चालाक आदमी वहां जाकर उन जाहिल गांव वालों को थोड़े बहुत चांदी सोने के सिक्के दिखाकर अगर उनसे जमीन पटा ले तो उसके जरूर वारे न्यारे हो जाएंगे। तो आप खुद ही? हाँ, हमको उस गांव में जाकर डेरा जमाना चाहिए।
राधे श्याम, राधे श्याम। गांव के लोग भोले भाले तो होते ही हैं, उनके भोलेपन से फायदा उठाकर अपने फरेब का जाल बिछाने के लिए जागीरदार दयाल सिंह गरीब नगर पहुंच गए। असलियत तो ये थी कि वो लोगों को लूट रहे थे, पर दिखावे में ये लूट भी गरीबों की मदद थी। राधे श्याम, राधे श्याम। सेठ जी तो गरीब नगर में गरीबों की मदद के लिए आए हैं। हाँ तो क्या मदद चाहिए तुम्हें? जी सेठ जी, तुम्हारी कुछ जमीन भी तो है? जी, मगर फसल खराब हो जाने के सबब। हाँ हाँ, मुझे मालूम है तुम सब लोगों की बर्बादी का हाल। लेकिन मुखिया जी, जब कई साल से इस गांव की यही हालत है, तो फिर ये सब लोग अपनी जिंदगी किस तरह बसर करते हैं? बड़े ही दुखों के साथ सेठ जी। अच्छा तो ऐसा समझो, तुम्हें मदद न मिली तो फिर? तो फिर नहीं नहीं, ऐसा न कहो, हम सब बर्बाद हो जाएंगे, हमारा खानदान ताराज हो जाएगा। जब इतनी मुसीबतें हैं तो फिर तुम अपनी जमीन क्यों नहीं बेच देते? ना ना ना, हम अपनी प्यारी जमीन नहीं बेचेंगे पिताजी। राधे श्याम, बाप से बेटी ज्यादा समझदार मालूम होती है। बेशक नहीं बेचनी चाहिए जमीन। मुनीम जी, जी सेठ जी, इनकी जमीन मॉर्गेज कर लो। बहुत अच्छा पिताजी। घबराओ नहीं, मॉर्गेज यानी गिरवी रखना कोई बुरी बात नहीं। ये तो सिर्फ इसीलिए कि तुम्हें पैसा अदा करने की फिक्र रहे। जमीन बेचना और गिरवी रखना, दोनों का मतलब बर्बादी ही होता है। गांव के लोग कितने भोले होते हैं, ये तो सब हिसाब किताब की बातें हैं। मेरा मतलब तो सिर्फ गरीबों की मदद करना है। अच्छा सेठ जी। मुनीम जी। जी सेठ जी। मुखिया जी को पैसे दे दो। बहुत खूब। फिक्र न करो, अपनी आसानी से रकम अदा करते रहना। बड़े दयालु हैं हमारे जागीरदार से दयाल सिंह। हमारी मदद के लिए आ रहे हैं? हाँ हाँ, भगवान सौगन, उन्होंने खुद मुझसे कहा है वो जरूर यहाँ आएंगे और हमसे मिट्टी खरीद कर हमें चांदी सोने के सिक्के दे देकर माला माल कर देंगे। हमारी जमीनें खरीद कर हमें माला माल कर देंगे। याद रखो, हमारी ये मिट्टी की जमीन हमारे लिए चांदी और सोने के खजानों से बढ़कर है। प्यारे बच्चों, इतना ही नहीं बल्कि हमारी और सारी दुनिया का जीवन इसी मिट्टी से है। हम इस जमीन के हैं, ये है जमीन हमारी, ये है जमीन हमारी। हम इस जमीन के हैं, ये है जमीन हमारी, ये है जमीन हमारी। हमको जमीन अपनी सौ जान से है प्यारी, सौ जान से है प्यारी। हम इस जमीन के हैं, ये है जमीन हमारी, ये है जमीन हमारी। इज्जत ही हमारी, जीवन ही हमारा, हमारी जीवन यही हमारा। है प्यार इससे हमको, हम है इसी दीवारी, हम है इसी दीवारी।
भी तो जीवन हरा भरा है, जीवन हरा भरा है, वो हरी भरी तो जीवन हरा भरा है। कि रानी इस गांव में मुसीबत उठाने के लिए नहीं बल्कि शहर की रंगीन फिजाओं पर बहार बनकर छा जाने के लिए है। शहर? हाँ हाँ शहर। जमीन बेचकर हम शहर चले जाएंगे, मैं वहाँ नौकरी करूँगा, बस फिर क्या है। जग्गू इतना तो सोचो कि तुम्हारी बहन राज देवी गांव वालों को जमीन के लिए कुर्बान देना सिखाती है और तुम अपनी थोड़ी सी मुसीबत पर अपनी प्यारी जमीन कुर्बान कर रहे हो। अब मैं अपने इरादे को नहीं बदल सकता, तुम चाहे कुछ भी कहो लेकिन मैं जमीन बेचकर ही रहूंगा। बेवकूफ, हाँ कहते हुए शर्म नहीं आती? खानदान और खानदान की इज्जत के जलते हुए चिराग को अपने ही फूंकों से बुझाकर अंधेरा कर देना चाहता है? नहीं, अपने अरमानों की दुनिया में उजाला। तुम क्यों शर्माती हो रानी? तुम तो जगू को नेक सलाह दे रही थी। घबराओ नहीं, ईश्वर ने चाहा तो मैं अपने हाथों से तुम दोनों के अरमान पूरे कर दूंगी, लेकिन जमीन बेचकर नहीं। क्यों, ठीक है ना भावज रानी? चलो मौसी। मुझे भूख नहीं माता जी। जग्गू मालूम होता है मेरी बातों से बड़ी चोट लगी है मेरे भैया के दिल पर। तुम्हें इससे क्या, तुम्हें तो चुटकियां लेने में मजा आता है। बेवकूफ तक तो कह दिया, अब और क्या कहना चाहती हो? अरे तुम दोनों लड़ते रहोगे या भोजन भी करोगे? मुझे भूख नहीं माता जी। अरे अरे तू नहीं चलेगा तो वो कैसे खाना खाएगी? चलो भैया। अच्छा तुम चलो, मैं आता हूँ। इसलिए तुम्हारी बर्बादी का हाल सुनकर तुम्हारी मदद करने के लिए। हमारी जिंदगी का आसरा, हमारी जमीन हमसे छीनकर हमारी मदद करना चाहते हो क्या? इसी का नाम मदद है? लेकिन हम अपनी जमीन बेचना डालें तो क्या करें? कब तक किसी तरह मुसीबत उठाएं? कब तक किसी तरह भूखे मरते रहें? इससे पहले हजारों बार हमने मुसीबतों का सामना किया है, हजारों बार बरसात की कमी और ज्यादती ने हमारे अरमानों पर पानी फेर दिया, लेकिन बताओ, तुम ही बताओ, हमने कभी हिम्मत हारी? नहीं, कभी नहीं। राधे श्याम। शक्ति रहिए सेठ जी, जरा राज देवी का हाल भी बता दो सबको। बहुत अच्छा। भाइयों, राज देवी ने जो कुछ भी कहा है वो तुम सबने सुना, मगर मुझे बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि राज देवी ने अपनी बात तो खासकर तुम्हें बताना भूल ही गई। या हो सकता है कि जानबूझकर इन्होंने इस बात को छुपा लिया। साफ साफ कहो, क्या मतलब है तुम्हारा? माफ कीजिएगा राज देवी, जब तुम कहती हो तब कहना पड़ता है मुझे कि तुमने अपनी जमीन क्यों बेच दी। झूठ, बिल्कुल झूठ, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकती। राधे श्याम, ये देखिए ये रहा सबूत और ये है आपके भाई के दस्तखत। मुझे अब तक भरोसा नहीं। तो ये देखो और तुम अच्छी तरह भरोसा कर लो। अरे अरे छीन लो छीन लो। अरे अरे पकड़ो, कागज छीन लो, जाने ना पाए। अरे पकड़ो। हाय हाय क्या गंदा हो गया। Hey! 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 Hey!
कहाँ भागी जा रही थी, आखिर कहाँ जाती, बार हो गई ना। अरे चलो घोड़ा पर बैठ जाओ, जल्दी जाओ, जाओ जाने ना पाए। अरे फिर इनकी बिंदी बच्चे तुम यहां मरना, तू कहां जा रहा है? आखिर ये भादौर किस लिए हो रही थी? इसलिए कि मैंने ये दस्तावेज जागीरदार से छीन लिया। दस्तावेज छीन लिया? ये तो कानून के खिलाफ है। धोखेबाजी का नाम ही कानून है, तो ऐसे कानून को प्रणाम। देखो तुम ये खबर महाराज को पहुंचा दो। जी कहां जागीरदार सेठ दयाल सिंह जी का बैंड बाजा और कहां गरीब की कांपती हुई आवाज। ऐसा न कहो, कानून अमीर और गरीब सबके लिए यकसा है। और हाँ, सुना है कि राजकुमार यूरोप से आ रहे हैं, उन्हीं के पास पहुंच जाओ। जी हाँ, अजी आपने तो बिल्कुल ठीक कहा। राजकुमार, और वो भी यूरोप की हवा में बचपन से पला हुआ राजकुमार। सुनते हैं 5 साल के उम्र से उसको हिंदुस्तान की हवा तक नहीं लगी। भला वो गरीब हिंदुस्तानियों के दर्द का इलाज क्या कर सकता है? कभी कभी इंसान का ख्याल भी गलत होता है। मुमकिन है। अच्छा अब मुझे इजाजत है।
ये भी खूब, नाम पता मालूम किए बगैर। मेरा नाम राज है और आपका नाम? कुमार। कहीं आप ही तो राजकुमार नहीं? बिल्कुल ठीक, आप राज, मैं कुमार, बस हो गए राजकुमार। ओहो, अच्छा राजकुमार, नमस्कार। अजी सरकार, जरा ठहरिए तो सही। अरे पेट्रोल बिल्कुल खत्म हो गया। पेट्रोल या जलाब के होश। शर्त देख इधर आ, अपने गांव जा और वहां से मोटर ले आ, समझा? मगर देखना जला, हर काम कानून के साथ हो। चल जा, जल्दी ले आ। गुड बाय टाटा। क्यों जी, उसके वापस आने तक आप यहीं ठहरेंगे? ठहरना ही होगा। चलिए, गरीब का झोपड़ा मौजूद है। शुक्रिया। ये भी किस्मत है जो राजकुमार हमारे मेहमान हो। राजकुमार? अजी वही राज और कुमार। हो। अजी मिस्टर, आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? मुझे बहुत जरूरी काम है। थैंक यू, यू आर अ वेरी गुड मैन। वेट, वेरी गुड। जाइए, आपको बुला रहे हैं। लेडीज, मेरी फुट। ओनली जेंट्स, नो लेडीज। चलो चलो बैठ जाइए, चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। नो लेडीज। राजकुमार का एडीसी मिस्टर छैला हूँ। तो क्या मेरी मदद की जरूरत है? अजी मदद की तो क्या, मुझे तो शहर जाना है। जी नहीं, बगल वाले गांव में। अच्छा तो पहुँचा दूँ तुम्हें? जी इसके सिवा और कोई रास्ता ही नहीं। अच्छा तो आओ चले। चले का है, यहाँ मैं हूँ वहाँ तू है,
यही बदला वफा का है। समझ कर भोले भाले प्रेम के फंदे बिछाता है, तू खुद को काह दो दिन का तेरे पल्ले धरा क्या है। मेरा कहना मान कहना मान, दिल में पीथामू हो जा मैं हर बान रानी बनाऊ। कहना मान कहना मान, दिल में पीथामू हो जा मैं हर बान रानी बनाऊ। बतिया बना के प्रेम में बसा के मुझे न भुलाना। अच्छा जी। बतिया बना के प्रेम में फंसा के मुझे न भुलाना, ओ मुझे न भुलाना। तेरा जब सहारा हो फिर ये हाल हमारा हो, ना 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 ना। मोहब्बत का डांग चला जाए रे, मोहब्बत का डांग चला जाए रे, ये चला ये चला जाए रे, मोहब्बत का टांग चला जाए रे, मोहब्बत का टांग चला जाए रे। माता जी, जग्गू आ गया। बेटा, रात का कुछ पता चला? नहीं माता जी। तेरी जरा सी नादानी के सबब ये सब कुछ हुआ, न जाने वो कहाँ होगी, किस मुसीबत में होगी। फिक्र न करें माता जी, ईश्वर ने चाहा तो उन पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। माता जी। बेटी बेटी। माता जी, इन्होंने मेरी मदद की और मुझे बचाया। नमस्ते। जीते रहो बेटा। आप कौन हैं? ये राजकुमार हैं। राजकुमार? मेरा नाम कुमार है। बड़ी शरीर हो तुम। ये है मेरा भाई जगू। नमस्ते। नमस्ते। आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। और मुझे भी। और ये है मेरी होने वाली भवज रानी, और इनका नाम भी रानी है। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा राज, कुमार को कुछ भोजन तो करा दो। हाँ माता जी, राजकुमार की मेहमानी तो बड़ी शानदार होनी चाहिए। चलिए। चलो बेटा। छबीली तुम? और पैदल? हाँ, कम्बक घोड़े के पाँव में मोच आ गई। मोच आ गई, बहुत अच्छा हुआ। क्या आना है हमारे साथ? हाँ। आ जाओ, रख दो। बैठ जाओ इस ऑस्टिन की बच्ची में। चलाती हैं ये स्कूल? जी, स्कूल की तरक्की के लिए हम लोग एक जलसा भी करने वाले हैं। तब तो हम घर पहुँच कर जरूर कुछ न कुछ मदद करेंगे। जी, आप तो राजकुमार हैं, आप तो स्कूल को शानदार हाई स्कूल बनाकर दे सकते हैं। वो दिन भी तो आ जाने दो। गए तुम्हारे दोस्त। और ये कौन है? ये है छबीली राजगवालन, और स्कूल के चंदे के लिए जो मैं जलसा कर रही हूँ
उसमें मुझे मदद दे रही हैं। जलसा इस जलसे की कामयाबी पर आपको मुबारकबाद देता हूं। शुक्रिया। भाइयों और बहनों, आज आप सब जो अपने जलसे को कामयाब करने के लिए जमा हुए हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूं। आज के जलसे का मतलब स्कूल की तरक्की है। हम जो स्कूल के लिए मदद करेंगे वो हमारी अपनी भलाई के लिए होगा। आप ही बताइए कि जिस देश में 10% यानी सिर्फ 100 में 10 पढ़े लिखे हों, वो देश किस तरह तरक्की हासिल कर सकता है? इसका एक ही जवाब है, तालीम। किसी ने सच कहा है कि तालीम ही का नाम ताकत है। देखो, विद्या की ज्योत जलाकर अंधेरे में उजाला कर दो। इल्म की तलवार हाथ में लो, लिखो, पढ़ो, हिम्मत करो, आगे बढ़ो। कलम की ताकत से जहालत की जंजीर तोड़ दो। आओ, सबसे पहले हम इस जहालत के भूत का नाश कर डालें, जो हमारी तरक्की की राह में कांटा बना हुआ है, जिसके सबब आज हम सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक दृष्टि से दूसरे देशों से बहुत ही पीछे हैं। इसीलिए हमारा फर्ज है कि हम सब मिलकर हमेशा के लिए जहालत की हथकड़ी को तोड़ दें।
देवी जी, पहले इस हथकड़ी को पहन लो, बाद में जहालत की हथकड़ी को तोड़ना। ठहरो, मैं पूछता हूं कि क्या गुनाह है इनका? दस्तावेज की लूट। लेकिन तुम्हें गिरफ्तारी का क्या हक है? अभी मालूम हो जाएगा। ये रहा वारंट। गिरफ्तार कर लो। अरे बेटा, वो लोग कहाँ चले गए? अभी अभी तो यहाँ थे। ये नया झोपड़ा किसका है? मैं जाने किसका देखो तो। अरे ये क्या बात है? कोई नई बात है? अरे की बात है
राज, अंदर मत जाओ, भगवान के लिए आग भड़कती जा रही है। राज राज ठहरो, राज ठहरो, खड़ी हो जाओ। माता जी को मर गई। बेवकूफ, ये तूने क्या किया? मैंने तुझे झोपड़ा जलाने के लिए कहा था, किसी की जान लेने के लिए नहीं। अगर मैं ऐसा न करता तो अपना सारा भांडा फूट जाने का अंदेशा था। राधे श्याम, राजदेवी, मुझे भी बड़ा दुख हुआ है, ईश्वर की इच्छा। चलो, इसी दुख के कारण मैं भी तुम्हारी तरफ से दिल साफ कर लेता हूं। अब ये वारंट की जरूरत नहीं। राधे श्याम। मिल गया, मेरी माता के खूनी का पता मिल गया। वो कैसे? ये वही लकड़ी है जो जागीरदार के साथ ही शक्ति के पास हमेशा रहा करती थी। ठीक है, लेकिन कानून की नजरों में इतना सबूत काफी नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। भगवान, ये हमारे साथ क्या न्याय हो रहा? हमारी जमीनें, हमारा घर, हम तो सबको छीन लिया गया। रामू काका, क्या तुम्हारे साथ भी यही सलूक किया गया? हाँ।
नमस्ते। नमस्ते, क्या हुआ, कहाँ चले तुम? अपने किए की सजा भुगतने। बात क्या है? जागीरदार के आदमियों ने आकर हमारी जमीनों पर कब्जा कर लिया है और हम सबको धक्के देकर हमारे घरों से बाहर निकाल दिया है। कुमार, देख चुके कानून का खंजर गरीबों के गले पर कैसे चला करता है। अब मैं उसको अपने हाथों से मिट्टी में मिलाकर ही आराम लूंगी। अरे बाप, ये इंतकाम। गरीबों को सताने वालों होशियार हो जाओ। गरीबों की मददगार टाइग्रेस। टाइग्रेस कौन है ये टाइग्रेस? अभी अभी जो गई है। मगर मैं हूँ जागीरदार दयाल सिंह, समझे? जी। इंतकाम। गरीबों को सताने वालों होशियार हो जाओ। गरीबों की मदद का टाइग्रेस। हे भगवान। फाड़ दो इसे। अरे भाई, अरे अरे भाई, अरे तुम इस कागज को क्यों फाड़ रहे हो? ये तो हमारी मददगार है। ₹5,000 का इनाम। हम गरीबों की मददगार को गिरफ्तार करने का इनाम। जब ये तुम्हारी मददगार है तो तुम इसे अच्छी तरह जानते हो। नहीं, बताओ ये कौन है? नहीं नहीं, हम नहीं जानते। तुम्हारी मददगार को तुम नहीं जानते? भगवान सौगन, हम नहीं जानते। बोलो। अरे, अरे भाई, बिल्कुल नहीं जानते। तुम्हें नहीं मालूम? अभी मालूम हो जाएगा। बंद दो इन्हें। अब तो जरूर मिल जाएगा इनाम। हाँ हाँ, जरूर, मगर देखना हिस्सा सबको बराबर मिले। जरूर। पहले पता तो पूछ लो। बताओ कौन है टाइग्रेस तुम्हारी मददगार? हमें बिल्कुल नहीं मालूम। तुम तुम्हारी मददगार को नहीं जानते? नहीं, नहीं, हमें नहीं मालूम। इनका भूत बातों से नहीं लातों से उतरेगा। इनका भूत मैं उतारे देता हूँ। मैं हूँ टाइग्रेस। टाइग्रेस गिरफ्तार करो। बाप रे बाप। भैया, घबरा नहीं। बड़ा एहसान किया आपने हम पर, भगवान आपका भला करे। फिक्र न करो, फिर ऐसे ही जरूरत पड़ी तो जरूर मुलाकात होगी। अच्छा दोस्तों, नमस्ते। नमस्ते। दया रहे आपकी हम पर। जिंदा रहे गरीबों की मददगार।
जी मैं। जान की खैर मनाओ कि मैंने गोली नहीं चलाई। गोली चल भी जाती तो क्या था, हम तो पहले ही मर चुके हैं सरकार। जी ये तो ठीक, लेकिन आपने ये रूप क्यों लिया? गरीबों की मदद और जालिमों से बदला लेने के लिए। बदला तो कानून के सहारे भी लिया जा सकता था। शुरू कर दिया आपने कानूनी बकवास। अरे 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 गुस्से तो ना हो जाओ। खैर ये तो बताओ कि तुमने मुझे क्यों भुला दिया? इस वक्त मैं अपने आप को भी भूल चुकी हूँ। बस मेरी जिंदगी का पहला काम अब यही है कि मैं जालिमों से उनके जुल्म का गिन गिन कर बदला लूं। मैं कब नहीं कहता हूँ, मैं भी तो आपकी मदद के लिए तैयार हूँ, लेकिन लेकिन कानून के साथ। ओह थैला, तुम कैसे आ गए? जैसे सरकार, आपने कुत्ते का पीछा किया और बंदे ने आपका। अच्छा ये तो बताओ गांव का हाल क्या है? हाल क्या है, गांव के सब छोटे बड़े टाइग्रेस के नाम का गीत गा रहे हैं। चांदनी रातें भी कितनी पूर्व बहार होती हैं। इसीलिए तो चांद भी नाच कर रहा है। मैंने कहा आप क्यों शर्मा गई, मैं तो चांद की तारीफ कर रहा था। जी सच है, जो इन हसीनों को भूले से प्यार करते हैं उन्हीं के दिल को ये जालिम शिकार करते हैं। जो इन हसीनों को भूले से प्यार करते हैं उन्हीं के दिल को ये जालिम शिकार करते हैं। चांद तारे हमें बेकरार करते हैं, ये चांद तारे हमें बेकरार करते हैं। ऐ मौत आ तेरा हम इंतजार करते हैं, ऐ मौत आ तेरा हम इंतजार करते हैं। ये चांद तारे हमें नहीं मिटाने से मिटता नसीब का लेखा, नहीं मिटाने से मिटता नसीब का लेखा। मिटाने वाले तो कोशिश हजार करते हैं। ये चांद तारे हमें बेकरार करते हैं। हम और क्या तेरी मेहमानी अब करें है गम, हमार क्या तेरी मेहमाने अब करें है गम। ये आंसुओं का है तोहफा निसार करते हैं, ये आंसुओं का है तोहफा निसार करते हैं। है मौत आ तेरा हम इंतजार करते हैं, है मौत आ तेरा हम इंतजार करते हैं। ये चांद तारे हमें बेकरार करते हैं। जग्गू
आखिर कब तक यूं परेशान रहोगे? जब तक किस्मत में परेशानी लिखी है। माता जी आग में जल गई और राज बहन न जाने कहां चली गई। अब मैं ये सोचता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। हिम्मत से काम लेना चाहिए, राज बहन की फिक्र न करो। मेरा दिल कहता है कि वो सलामत है और बहुत जल्द हमसे आकर मिलेंगी। अच्छा, रानी देवी, रानी देवी आपकी चिट्ठी आई है। मेरी चिट्ठी? श्रीमती रानी देवी, मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ कि तुम छोटी सी स्कूल में बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम देकर रात दिन स्कूल की तरक्की की धुन में लगी रहती हो। तुम्हारी मेहनतों को देखते हुए मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार आकर मुझसे जरूर मिलो। मैं स्कूल की मदद के लिए काफी रकम पेश करना चाहता हूँ। जागीरदार दयाल सिंह। ओहो, आप सेठ जी से मिलने आई हैं? जी। चलिए तुम्हें सेठ जी से मिला दूं, आइए। राधे श्याम, मैंने सोचा कि स्कूल के बच्चों की भी कुछ मदद कर दूं, इसीलिए चिट्ठी भिजवा कर तुमको यहाँ आने की तकलीफ दी। कोई बात नहीं, मेरा तो दामन हमेशा बच्चों की भीख की झोली है। बड़ी सेवा करती हो तुम। शुक्रिया। हाँ रानी जी, ये तो बताओ, क्या ये सच है कि तुम्हारी शादी जग्गू के साथ होने वाली है? हाँ सेठ जी। मुझे तुम्हारा ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं। कहाँ तुम्हारी ये मोहिनी सूरत, फिरनी जैसी आंखें, चांद सा मुखरा, और कहाँ वो मुफलिस जंगली कंगाल। माफ कीजिए जागीरदार साहब, क्या इसी मदद के लिए मुझे घर बुलाया है आपने? राधे श्याम, तुम तो गुस्से हो गई। बैठो, आप बैठो तो सही। जल्दी कहो क्या कहना है। अब और तुम्हें क्या कहूं, तुम तो खुद समझदार हो। तुम्हारा नाम जैसे रानी है, वैसे ही तुम्हें असली रानी बना दूं। धिक्कार है तुम्हारे ख्याल पर। दरवाजा खोलो। राजपूत जाओ, रस्सी खींचो। ये बात है, देखता हूं कि मेरे हाथ से बचकर अब कैसे जा सकती है। तुझे ईश्वर भी नहीं बचा सकता। ओ शैतान, ईश्वर की ताकत तो बहुत बड़ी है। ईश्वर की ये अपना दासी तेरा नशा उतार सकती है। Ah!
जी। कौन टाइगर? बाप रे बाप! अरे इनके पीछे राम सिंह पड़ेगा। दोनों सामने जल्दी आना। वो देखो टाइगर क्या साइकिल में जाने ना पर जा जल्दी ऊपर। मैं जरा बाहर जात हूँ, तू इका नाराज ना करियो, मीठी मीठी बातें करियो। ली मैं जात मारे मां छबीली, भगवान कसम तू तो आज पटाखा बन गई। पटाखा चल चल, बड़ा आया पटाखा बोलने वाला। मैं तो जा रही हूँ। जा ही रही हो? हाँ। हमका छोड़ के? तो क्या तेरी उंगली पकड़ कर ले जाऊं? उंगली नहीं, हाथ पकड़ के। हाथ का समझे? आग लगे तुझको और तेरे समझ को। आग तो हमरा दिल में लगी है। कहाँ जात है छबीली? ओ छबीली, सुनो तो मोरी छबीली। तेरी छबीली गई भाड़ में। नहीं सुनत है? सुने मेरी बला। देख छबीली, ये दिल लगी हमका नहीं भावत है। तो अपना सर फोड़। अरे भगवान, जरा प्रेम नहीं करत है। ओ, चला। छबीली क्या हुआ? भौचाल आ रहा है। भौचाल? हाँ चला, इस मुवे के प्रेम से मुझे बचाना। हाँ अच्छा, आने दो, चुट्टी से मसल के फेंक दूंगा। कौन है वो मरता बच्चा? आ जाए मेरे सामने। ओ, ओ, यू। ओ, आ, आ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। यू आ, 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 आ,
अजी ये छबीली आपकी बड़ी तारीफ कर रही थी। अच्छा बड़ी दिल लगी बात है। चलो मेरी छबीली चलो। बहुत शराब पिया। दो ससुर का आज सर न तोला तो कोई काम न किया। मोरी छबीली को बहकावत है। ओ मैडम साहब व्हाट हैपेंड? आप उनका आप किसी मूर्ख को देखें? नो नो नहीं, अकेला है और साथ में हमारी पठाखा भी है। I don't know. ये लो, हम एक का पूछे और ये बताई नौ डाउ नौ डाउ कहाँ नौ डाउ नौ डाउ। न जाने वो बदमाश कहाँ गए। मालूम हो जाएगा। गिरफ्तार कर लो। अरे ये खेत में फुटबॉल और कबड्डी कौन खेल रहे हैं? ये बेवकूफ, जरा आंखें फाड़ कर देख, खेल हो रहा है जग्गू के साथ झगड़ा। ये बात है तो मैं जाकर रानी को खबर करती हूँ। अच्छा तुम जाओ, मैं अपनी बहादुर दिखाकर अभी वापस आता हूँ। अद्भुत पकड़ रखो बदमाश, आखिर गिरफ्तार हो गया ना, अब देखता हूँ तुम्हें कौन बचाता है। Thank you.
शाबाश, बहुत अच्छे। अब ले चलो जब रेल की पटरी पर। चलो जल्दी करो, उठाओ। डाल दो इसे यहाँ। सिग्नल गिर गया। अब हमारे सेठ जी के रास्ते का कांटा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। चलो निकल चले। राजबहन, जरा सी नादानी का नतीजा देख लिया। बड़ों की बात ना मानी, यही मैंने सबसे बड़ी नादानी की। मैं शर्मिंदा हूं बहन। अफसोस की नहीं,
अब हिम्मत की जरूरत है जग्गू। बहन, आज से जग्गू को तुम अपना बाजू समझो। मैं इस जुल्म की दुनिया को मिटाकर छोड़ूंगा। जो बागिया में लिखा है वही होगा। पिताजी, आप उसके पास मोहलत क्यों नहीं मांग लेते? मोहलत कीमत बहुत बड़ी है, उससे हमारी बर्बादी होगी और जगू को भी धोखा देना पड़ेगा। उसका मतलब? जागीरदार से तुम्हारी शादी। क्या? मुझे अपनी जवानी और जीवन जागीरदार को भेंट चढ़ाना होगा? और जगू? रानी, 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 जगू भैया को जागीरदार के आदमी मारपीट कर रहे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या वो मेरे प्रीतम को भी बर्बाद करना चाहता है? भैया मदद के लिए गया है, वो उनके बचाने की जरूर कोशिश करेगा। मुझे ही फैसला करना होगा, इन तमाम दुखों का कारण मैं हूँ। ये क्या कह रही हो रानी जी? तू नहीं जानती छबीली, मैं वो रोग हूँ जिसके कारण पिताजी और जगू दोनों की जान खतरे में है। मुझे अब जरूर अपनी कुर्बानी देकर। बड़ी समझदार हो तुम रानी। हाँ, मगर एक शर्त पर, मैं तुमसे शादी के लिए राजी हूँ कि तुम जगू को छोड़ दो। इसमें कौन सी मुश्किल की बात है? मुझे उसको रखकर क्या अचार डालना है? मुझे तो तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी। बस यहाँ शादी हुई और वहां उसको छोड़ दिया गया, तो फिर हो जाए ना शादी का इंतजाम। हाँ, शुरू हो जाए कम नसीब की कहानी का मातम। राधे श्याम। मुनीम जी। जी सेठ जी। जल्दी शादी की तैयारी करो। बहुत अच्छा, चलो शक्ति सेठ जी की शादी का इंतजाम करें। हाँ हाँ मुनीम जी, चलो 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 चलो। अरे वाह, मर मर के जिए जा।
दाग नहीं काले सितारों की है बसी, ये दाग नहीं काले सितारों की है बसी, ये दुनिया नहीं है यहाँ पहचान किए जा, तुम मर मर के जिए जा, है गम नसीब गम को लहू करके पिए जा, लहू करके पिए जा, है गम नसीब अरमान भरे दिल के ये शोले हैं हमारे, ये शोले हैं हमारे, अरमान भरे दिल के ये शोले हैं हमारे, ये शोले हैं हमारे, भीगी हुई पलकों से हवा इनको दिए जा, तू मर मर के जिए जा, ऐ गम नसीब गम को लहू करके पिए जा, लहू करके पिए जा, जीना है तो दुनिया में तू मर मर के जिए जा, तू मर मर के जिए जा। रानी तुम यहाँ क्या कर रही हो? जागीरदार से शादी करना मैंने मान लिया है। नहीं नहीं रानी जी, मैं तुम्हें जिन दाग में कभी नहीं जलने दूंगी। मेरे जलने से मुसीबत की आग तो बुझ जाएगी। छबीनी क्या हुआ? अरे मुसीबत पे मुसीबत। क्या? रानी जागीरदार से शादी करके जिंदा आग में जल रही है। हमें किसी ना किसी तरह उसे बचाना चाहिए। घबराओ नहीं, मैं अभी जाकर टाइगर उसको खबर कर देता हूँ। जल्दी जाओ। ये चला जल्दी चलिए टाइगर, जल्दी चलिए। जगू भैया की जान बचाने की खातिर रानी जागीरदार से शादी करने के लिए तैयार हो गई है। मैं उसे जिंदा आग में कभी ना जलने दूंगी। ये अच्छा मौका है, इस बात को महाराज के कानों तक पहुंचाकर कानून से फायदा उठाओ। कानून कानून, जब तक हम कानून के दरवाजे पर पहुंचकर जवाब का इंतजार करेंगे हमारी दुनिया मट्टी में मिल जाएगी। अगर पहले ही से मेरी बात का ख्याल किया होता तो आज ये मजबूरी ना होती। मजबूरी और कानून, अगर उस दिन मैं अपने भाई की मदद को ना पहुंचती तो बताओ कौन सा कानून रेलगाड़ी की भयानक मौत से मेरे भाई को बचा सकता था। तुम जो कुछ भी कहो लेकिन कानून को अपने हाथ में लेना जुर्म है। घर में लगी हुई आग को बुझाने की बजाय कानून कानून चिल्लाते रहे, यही मतलब है ना आपका? मेरा मतलब यही है कि आपके इन खिलाफ कानून कामों में साथ देने से मजबूर हूँ। बुजुर्ग साथी, जान का दुश्मन निकलता है। ऐसा ही समझो। नमस्ते। लक्ष्मी कृदाम स्वस्ते सदा स्वाहा स्वाहा स्वाहाम यज्ञाम यज्ञ 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 त्वयाहाम स्वयं स्वाम स्वाहा। महाराज जल्दी करो, शुभ घड़ी निकल जा रही है। प्रथम वरुणाम सिद्ध शांत मार्ग स्वम सोम स्वम सोम स्वाहा ओम ओम तम आत्मात्म परिचिन्हां तत्त्वं वयम् अपन्न सहि त्रयीं तोष्णो वृत्तिं द्विराचम्यां द्वितय। चुप क्यों हो गए महाराज, विधि जल्दी शुरू करो।
शादी नहीं हो सकती। ये शादी रुक नहीं सकती। ये बात है। हाँ, अगर किसी ने जरा भी गड़बड़ की तो याद रखो जगु सलामत नजर नहीं आएगा। नहीं नहीं टाइगर, हो जाने दे उस शादी। राधे श्याम, घबराओ नहीं रानी, जगु मेरे साथ है। बिल्कुल झूठ, जगु का गला मेरे पंजे में है। जगु का गला तुम्हारे पंजे में है या तुम्हारा गला जगु के पंजे में? तू हम मैं। की तरफ से यह ऐलान किया जाता है कि इस गांव के मामले की तलाश के लिए महाराज राजकुमार जी को यहां भेज रहे हैं। जिस किसी को जो भी कुछ फरियाद करनी हो वो राजकुमार जी के सामने हाजिर हो जाएं। बोलो महाराज किरण सिंह की जय। बोलो राजकुमार जी की जय। ठहरिए सरकार, तुम फिर आ गए? जी, दिल ही तो है, तंबक खींच लाया यहीं। ऐसे दिल को सीने से निकाल कर चिलौटों को खिला दो। लेकिन मेरा दिल जब मेरा होता, ये तो अब आपकी अमानत मेरे पास है। इस दिल में तो अब आप रहती हैं। ये दिल मेरा दिल नहीं, आपका मकान है सरकार। देखो, मैं फिर इसलिए यहां आया हूं कि आपको एक बार सीधा रास्ता दिखाकर आपकी तमाम मुसीबतों को दूर कर दूं। शुक्रिया, आइंदा फिर कभी ऐसी तकलीफ ना करना। सुनो, महाराज की तरफ से ऐलान हुआ है कि राजकुमार खुद गांव में आने वाले हैं। जिनको फरियाद करनी हो उनके सामने पहुंच जा। राजकुमार के सामने? हाँ हाँ, उसी खूबसूरत गिरगट नचाने वाले राजकुमार के सामने। मुझे उसके पास जाने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें ना सही, लेकिन कानून को तो तुम्हें बांध कर ले जाने की जरूरत है। इससे पहले कि मुझे कोई खतरनाक इरादा करना पड़े, बेहतर है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। जी, मोहब्बत में तन्हाई कयामत होती है। हम तो अब आपको साथ ही लेकर जाएंगे। क्या? हैंड्स अप। सिपाहियों, धोखा,
फरेब। जुबान आपकी है, मुंह आपका है, हम आपके हैं, जो जी चाहे कहो। सिपाहियों, ले चलो इन सबको इज्जत के साथ राजकुमार के सामने। पधारिए राजकुमार। धन भाग्य हमारे। नमस्ते। आइए। बोलो श्रीमान राजकुमार की। आप ही का नाम जागीरदार दयाल सिंह है? जी, आपका गुलाम। आपने टाइग्रेस के बारे में जो महाराज से फरियाद की है, उसी का फैसला करने के लिए महाराज ने मुझे भेजा है। महाराज की जय हो और आपकी। सरकार, इसका फैसला होना ही चाहिए। घबराइए नहीं, फैसला जरूर होगा। राधे श्याम। राजदेवी, तुमने बिना कारण जागीरदार साहब को परेशान किया, क्या यह सच है? बिल्कुल सच है। अगर मुझे मौका मिलता तो मैं आज से मुझे शैतान को कभी जिंदा नहीं छोड़ती। खामोश, सवाल का जवाब चाहिए, बकवास नहीं। देखा आपने, कितनी हिम्मत, आपके सामने जबान चला रही है सरकार। और क्या कहना है आपका? महाराज के वर्ण की परवाह किए बगैर गांव से फरार हो गई और टाइगर्स बनकर कानून को इसने अपने हाथ में लिया। राजदेवी, क्या जवाब है इसका तुम्हारे पास? यही कि जब जागीरदार साहब ने गरीब गांव वाले का खून पीना शुरू कर दिया तो मुझे भी इनकी मदद के लिए टाइगर्स यानी शेरनी बनकर इनकी ताकत का जवाब देने की जरूरत पड़ी। शाबाश टाइगर्स, जिंदाबाद टाइगर्स। मैं पूछता हूं कि तुमने कानून का दरवाजा खटखटाने की जगह कानून को खुद अपने हाथ में क्यों ले लिया? राधे श्याम, मैं इंसाफ और इंसाफ के मालिक से सिर्फ इतना ही अर्ज करती हूँ कि मरने वाले को दम तोड़ने से पहले पानी पिलाना चाहिए या डॉक्टर की इजाजत के बाद। क्या जागीरदार साहब, आप ये बता सकते हैं कि शहर छोड़कर गरीब नगर में आकर इन गरीबों से जमीन खरीदने की आपको कौन सी जरूरत पड़ी? सरकार, वो तो सिर्फ इन नंगे भूखे गाँव वालों की मदद के लिए। मदद के लिए? या महाराज यहाँ से रेलवे लाइन निकालना चाहते थे उस मौके से फायदा उठाने के लिए। राधे श्याम, सरकार इसकी जबान रोकिए, ये मेरी इज्जत पर हमला कर रही है। क्या इसी का नाम इज्जत और शराफत है कि तुमने धोखे से रानी को घर बुलाकर इसकी इज्जत लूटने की कोशिश की? झूठ, बिल्कुल झूठ सरकार। क्या ये भी झूठ है कि तुमने मेरे भाई जगू को रेलवे लाइन पर बंधवा कर इसे मौत के घाट उतारना चाहता था या नहीं? झूठ, बिल्कुल झूठ। मेरा घर जलाकर मेरी माता की जान तुम्हारे आर्मी ने लिया नहीं? मैंने सब ये अत्याचार किए? राधेश्याम, राधेश्याम। जागीरदार जी, राजदेवी के सवालों का क्या जवाब है आपके पास? जवाब? झूठ, बिल्कुल झूठ सरकार। मैं पूछता हूँ, क्या इन सब बातों का ये कोई गवाह या सबूत पेश कर सकती है? गरीबों का ईश्वर के सिवा और कोई गवाह नहीं होता। सरकार, सबूत के बगैर कानून का फैसला कैसे हो सकता है? सबूत चाहिए आपको? बोलो, गवाह, इंसाफ, मुंसिफ सब सामने मौजूद है। आप राजकुमार? कौन? कुमार ही राजकुमार। आप? हाँ, मैं ही वो हूँ। क्यों जागीरदार जी, ये वही लकड़ी है ना जिससे राजदेवी की माता को मौत के हवाले किया गया? जवाब दो। और महाराज के भेजे हुए वारंट को अपनी मर्जी आपने फाड़कर तुमने कानून का सबसे बड़ा गुनाह किया है या नहीं?
प्रजा के हर आदमी का फर्ज है कि वो राज के हुक्म की कभी इस तरह तौहीन न करे और जो कुछ उसकी फरियाद हो वो उसे कानून और इंसाफ के हवाले करें। बोलो श्रीमान राजकुमार जी, जय! कानून और इंसाफ की जय! मेरी तो सुनो, उस जागीरदार के लिए राजकुमार और टाइगर दोनों काफी है। बोलो राजकुमार की जय! बोलो टाइगर की जय! कानून को अपने हाथ में लेने वाले का नतीजा देखा? हाँ, लेकिन मैं तो कानून की गुनहगार नहीं। अब तो कानून और कानून का मालिक दोनों आपके हैं। और हम दोनों गरीबों के मददगार। अरे ये छेला और छेला। अरे उसके पीछे वो बैल जो आ रहा है। कहाँ गए ये दोनों? कौन दोनों? कहाँ बताई महाराज? तो है हमरी। बस समझ जाइए। और दूसरा है वो बदमाश। आज हम उसे जान लें। इज्जत का मामला है राजकुमार। मैम साहबा, मैम साहबा, जरा ठहरो, जरा ठहरो। तू हमारी लुगाई को देखे। यू फूल। भूल? भूल हमारी भूला। भूल भूल हमारी भूल। Ha 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 ha!